हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर है नाइन्थ। लेक्चर नंबर एट्थ में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल खुद क्या चीज़ है। उसके बाद हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और एक्सरसाइज थी हमारी लास्ट 2.1। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या चीज़ है वो देखते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, देखो, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि कोई ऐसा नंबर जो पी एक्स को जीरो बना दे। अब ये क्या चीज़ है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है एक्स वेरिएबल में। पॉलिनोमियल आपको गिवन है कि 5x³ माइनस 2x² माइनस 3x, ऐसा कोई पॉलिनोमियल गिवन है। अब ये कह दे कि फाइंड करो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। तो सपोज करो हमने पहले पी ऑफ टू निकाला। पी ऑफ टू का मतलब है इस एक्स की जगह पर टू रख दिया ना, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर टू रख दो आप। तो 5 2 का क्यूब होगा क्योंकि एक्स का क्यूब है, माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वेयर, -3, और एक्स की जगह पे 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2 यानी कि 8। ठीक है, तो 8 5 ज़ा कितना 40, माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 4 2 ज़ा 8, -3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हुआ 40 माइनस 14, तो ये कितना हुआ 26। अब ये 26 जो है वो जीरो नहीं आया, मतलब कि तो पी ऑफ टू जो है इस पी एक्स का पॉलिनोमियल जो भी है उसका जीरो नहीं है। ऐसे ही हम पी ऑफ वन फाइंड करते हैं। पी ऑफ वन क्या आएगा, एक्स की जगह वन रखना है, -2 × 1 का स्क्वेयर, -3 × 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 5 − 2 − 3 यानी कि 5 − 3 यानी कि सॉरी 5 − 5 यानी कि जीरो। अब ये जो पी ऑफ वन पे जो हमने वैल्यू फाइंड की ना, तो वो कितना आ गया जीरो। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, ये वाला 5x³ − 2x² − 3x। ठीक है, वन जो है ना इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो जीरो के पॉलिनोमियल से आप क्या समझे कि वो वैल्यू जिस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रखें और वो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो अगर जीरो बना देती तो वो उसकी उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, और अगर जैसे इस एग्जांपल में जीरो नहीं बना पाया था तो ये जीरो नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर टू, जो आपकी एक्सरसाइज से पहले है। एग्जांपल नंबर टू का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको क्यू ऑफ वाई दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल है क्यू वाई वेरिएबल का। क्या दे रखा है उसमें, 3y³ − 4y+√11। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट y = 2, मतलब कि y की जगह 2 रखो और जो भी वैल्यू है वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, q2 निकालेंगे। q2 का मतलब है y की जगह पर 2 रखना, प्लस का √11। अब 2 का क्यूब 8, 8 3 24, −8 + √11, तो ये कितना आ गया 16 + √11। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो q2 पर क्यू वाई की वैल्यू कितनी आई, इतनी 16 + √11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड करते हैं, इसका थर्ड पार्ट एग्जाम्पल नंबर टू का। आपको पी ऑफ टी दे रखा है कितना, 4t⁴ + 5t³ −t² + 6। आपको फाइंड द वैल्यू है कितने पे, एट y = t = a पे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर आपने a लिख देना है। तो 4
टी की जगह ए ए की पावर 4 प्लस में 5 ए की पावर 3 माइनस में ए स्क्वेयर प्लस 6। तो आपको ये आंसर आ गया, ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 ए की पावर 4 प्लस में 5 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी पॉलीनोमियल की किसी भी रियल वैल्यू पे जो वैल्यू होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या है, चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू। आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है पी एक्स, एक्स वेरिएबल में क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू। आपको चेक करना है कि माइनस टू और टू ये दोनों वैल्यूज इसकी जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ माइनस टू निकालते हैं, पी ऑफ माइनस टू का मतलब माइनस टू प्लस टू, ये तो जीरो हो गया। तो लिख देंगे यस, क्या लिखेंगे, यस माइनस टू इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। उसके बाद हम पी टू भी निकालेंगे, पी टू का मतलब है यहाँ पे टू प्लस में टू यानी फोर। तो लिख देंगे नो, टू इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, टू तो नहीं है बट माइनस टू है। एग्जाम्पल नंबर फोर है, फाइंड ए जीरो ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, पी एक्स टू एक्स प्लस वन। ये एक पॉलीनोमियल गिवन है, इसकी जीरो फाइंड करनी है। तो देखो ये किस टाइप का पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल या लीनियर पॉलीनोमियल। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स और उसकी पावर है वन, तो इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो वन है, इसलिए ये कौन सा पॉलीनोमियल है, एक लीनियर पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो याद रखना कभी भी किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल की जीरो फाइंड करनी हो तो सिंपल क्या करो, पी एक्स जो है ना पी एक्स उसको जीरो के इक्वल रख दो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 2x प्लस वन, इसको इक्वल टू जीरो रखा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये प्लस का वन उधर जाकर माइनस का वन, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, माइनस वन बाई टू इज ए जीरो ऑफ, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन। ठीक है, तो माइनस वन बाई टू है ना, इसका एक जीरो है। और अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहो तो जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस वन बाई टू रख के देख लो, करके देखिए एक बार। देखो 2x की जगह माइनस वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कट गया, माइनस वन प्लस वन यानी जीरो है ना। तो माइनस वन बाई टू क्या है, पॉलीनोमियल 2x प्लस वन की एक जीरो है। नेक्स्ट अब आपको कुछ बातें याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी जो एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल हैज नो जीरो। कोई भी जो कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो जीरो को छोड़ के, कोई भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल की जीरो होती ही नहीं है। कैसे, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल है, जैसे आपको मान लो पी एक्स दे दिया 5, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। क्या इस कांस्टेंट पॉलीनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 इंटू में 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 1 5 ही होता है। तो यहाँ पर आप फोर एनी वैल्यू ऑफ एक्स रिजल्ट will be 5 only। आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू रखो, बट आंसर तो 5 ही आएगा, क्योंकि किसी की भी वैल्यू जीरो क्या होती है, 1। तो आंसर 5 आएगा, इसलिए किसी भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की कोई जीरो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल आपको पता क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलीनोमियल। तो जितने भी रियल नंबर है ना वो सभी जीरो पॉलीनोमियल के जीरो होते हैं।
अब इस जीरो का मतलब पता क्या होता है, रूट भी बोल सकते हैं इसको हम, रूट या सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अब कैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको पी एक्स दे दिया जीरो, ठीक है, ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो? क्यों? क्योंकि एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, जीरो से मल्टीप्लाई रखिए, आंसर तो जीरो ही आएगा। तो क्या लिखोगे, एवरी फॉर एवरी रियल नंबर फॉर एक्स रिजल्ट विल बी जीरो, है ना। अगर कोई भी वैल्यू रखो आप एक्स की जगह, तो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा। इसलिए सभी रियल नंबर जो होते हैं ना, वो जीरो होते हैं किसके, एक जीरो पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट बात है कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जरूरी नहीं है कि सभी पॉलिनोमियल्स के जीरो होंगे, वो जीरो ही होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने अभी उसमें किया प्रीवियस एग्जांपल्स में, जैसे -1/2 किसी का जीरो आया था, तो सॉल्यूशन या जीरो या फिर रूट कुछ भी हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीरो ही होगा। बट एक चीज़ और भी है कि जीरो में बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। जो सिंपल जीरो है ना, डिजिट जीरो, वो किसी की जीरो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं होगी, हो भी सकती है किसी ना किसी की, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहे तो मान लो आपको पी एक्स दे दिया क्या, के एक्स के, ठीक है, आपको पी एक्स दे दिया, के एक्स की पावर 2 लगा लो ऐसे, या फिर सिंपल के एक्स ले लो। के एक्स यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, और ये के जो है वो एक रियल नंबर है। आपसे ये कह दे कि पी जीरो पे फाइंड करो वैल्यू, तो पी जीरो का मतलब के इंटू जीरो, और के इंटू जीरो यानी जीरो। तो यस, जीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल की एक जीरो है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। नेक्स्ट आपका ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। किसी पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा किसी पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़्यादा जीरो हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई पी एक्स दे रखा है 2x² - 2। अब देखो पी वन पे वैल्यू फाइंड करते तो क्या आएगा, 1 का स्क्वेयर -2 यानी कि 2 - 2 जीरो आ गया। ऐसे ही अगर हम p-1 पे चेक करें तो वो क्या आएगा, 2 into -1 का स्क्वेयर -2 यानी कि -1 का स्क्वेयर भी 1 होता है, तो 1 into 2 2 - 2 यानी जीरो। यानी कि 1 और -1 दोनों ही क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरो है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पे ही ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो ये सब हमने क्या था कि जीरो पे पॉलिनोमियल के बारे में सीखा। ये पॉइंट्स आप याद रखना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप 1 2 3 और 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज करनी है आपको 2.2, ठीक है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके पास बुक नहीं है वो वहाँ से एक्सरसाइज ले सकता है। और अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में कुछ भी डाउट आए तो आप ज़रूर पूछिए, ओके, होमवर्क कीजिएगा। थैंक यू।